कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 7 अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 10। एक सीढ़ी दीवार से 30 अंश के कोण पर झुकी है। एक आदमी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से सीढ़ी पर चढ़ रहा है। मान लो ये सीढ़ी पर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से सीढ़ी पर चढ़ रहा है। किस तेजी से वह दीवार की तरफ बढ़ रहा है? हमको ये बताना है कि वो कुल मिला के ये यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है और ये दीवार है, तो हमको ये बताना है कि वह किस तेजी से इस दीवार की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके लिए हम कुछ इस प्रकार माना कि ए बी एक सीढ़ी है। माना ए बी और इस ए बी की लंबाई मान लो, माना ए बी बराबरी से ए सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी है। लंबी एक क्या है? सीढ़ी है। सेंटीमीटर में इसलिए कि बाकी सारी माप सेंटीमीटर में इसे लिखी, तथा ये जो बिंदु डी लिया है वो क्या है, सीढ़ी पर किसी समय मान लो कि वह समय क्या था, टी पर कौन की मनुष्य की स्थिति है, ये मनुष्य की क्या है स्थिति है। अब यहां पर ए डी बराबरी से मान लो एक सेंटीमीटर, मान ले रहे कि माना ए डी बराबरी से कितना एक सेंटीमीटर वह सीढ़ी पर चढ़ चुका था, और सी डी को मान लिया अपन ने कितना वाई सेंटीमीटर, सी डी को मान ले रहे कितना कि ये वाई सेंटीमीटर है। तो ऐसी कंडीशन में जो बी डी बची, क्योंकि कंप्लीट ए बी ए है, इसको एक्स मान लिया, तो ये बची मतलब कौन सी, जो बी डी बची उसकी माप होगी ए ऋण एक्स सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमको दिया है, क्योंकि क्या हमको दिया है, क्या दिया है, डी एक्स बटे डी टी कितना 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वो क्या हो रहा है, सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। अब ये त्रिभुज किस में, त्रिभुज बी सी डी में देखें तो यहाँ 30 अंश का कोण, यहाँ लंब भुजा की माप वाई, यहाँ कर्ण भुजा की माप ए ऋण एक्स। इसमें हम साइन का उपयोग करेंगे। दीजिए यह हमने त्रिभुज बी सी डी को अलग बना लिए, तो बी सी डी की जो पोजिशन है, अब इसमें हम देखेंगे त्रिभुज बी सी डी में ये साइन 30 अंश, तो इसके सामने की ये सी डी भुजा लंब होगी और बी डी भुजा कर्ण होगी, लंब बटे कर्ण। साइन 30 की माप हम में से सब जानते हैं 1/2 होती है। किसकी, बी डी की माप ए ऋण एक्स है, सी डी की माप है वाई, वाई बटे क्या ए ऋण एक्स, तिर्यक गुना हो जाएगा तो मान क्या आएगा, मान हमारे पास आएगा 2y बराबरी से a ऋण x। अब इसका किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका हम t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, जब इसमें हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये मान आएगा 2dy/dt बराबरी से, क्योंकि ये तो अचर पद है इसलिए dx/dt। अब हमारे पास में क्या दिया है, क्योंकि dx/dt पिछले इसमें अभी अपन ने देखा कि वो कितना था 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो इस मार्क को यहाँ रख, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा dy/dt बराबरी से, इस दो को भी इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -3/2, और ये क्या सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यह कौन सा चिन्ह आ गया, ऋण चिन्ह, तो ये कौन सा ऋणात्मक चिन्ह, ये हमारे पास जो आ रहा है
ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि कौन आदमी दीवार की तरफ, जो आदमी है वो किसकी तरफ, दीवार की तरफ। 3/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।